सिलवाताल पुलिस ने दहेज हत्या के मामले वांछित चल रहे आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को सिलवाताल थाना क्षेत्र के सोनबरसा निवासी रामाकांत की पत्नी पूनम संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई थी। सर्जनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां 27 दिसंबर को इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जिसके संबंध में मृतिका की माता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि विद्या प्रसाद द्वारा रामाकांत ने दहेज के लिए मेरी पुत्री को जलाकर मार डाला, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक नीरज राय की टीम ने सोनबरसा के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजेश यादव फैसला कराने वाला हूँ, मतलब जिसे